हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारा जो ये न्यू वीडियो बनाने का मकसद है वो सारा जो भी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो भी चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, देयर आर फ्यू चेंजेस, दैट इज कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो इस 2018-19 में हुए हैं, 19-20 में सॉरी, और कुछ चेंजेस जो है 2014 के बाद भी एनसीईआरटी में चेंजेस हुए, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ पर न्यू स्टेटमेंट ऐड किए गए, कहाँ पर फिगर को अपडेट किया गया है, तो देखते हैं कहाँ पैराग्राफ ऐड किए गए हैं, तो बहुत ही जो भी माइन्यूट चेंजेस होंगे यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 6 में। तो ये कंटेंट है, तो आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6। इसमें देखिए, पंचनन महेश्वरी, ही इज़ अ फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया, और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वो कौन है, एरिस्टोटल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या चेंजेस हैं, ठीक है। इस पेज पर ऐसा कोई खास चेंज नहीं है, एंड यहाँ पे भी कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। जहाँ पे चेंज है, पेज नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है, वहाँ पे चेंज है। तो अगर आप पेज नंबर 6 पर देखते हैं, तो यहाँ पर दो, देखिए, अमीबा के अंदर जो बेसिकली दो एक स्पेशल कंडीशन है वो आपका यहाँ पे ऐड किया गया है, अगर आप देखें, दैट इज़ इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन, ये दो, ठीक है, इंसिस्टेशन ऐड किया गया है। तो बेसिकली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, सीरोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है, इंसिस्टेशन। और कभी कभी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या है, वो जो इंसिस्टेड अमीबा होता है वो मल्टीपल फिजन से मल्टीप्लाई होता है, बहुत माइन्यूट अमीबा बनते हैं। तो बेसिकली टू टर्म्स आर एडेड, एक तो स्पोरुलेशन याद रखिएगा और इंसिस्टेशन। तो पेज नंबर 6 पे ये चेंज है, इसे नोट करिए आप। आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे तो ये चेंज था, देन यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है, तो बेसिकली आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो टर्म इसमें ऐड किए गए हैं, और ये टेबल बेसिकली तो प्रीवियस पे थी, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही चेंज है, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से। वीडियो जितना छोटी बनेगी उतना ठीक है, और ज़्यादा लेंदी तो उसमें प्रॉब्लम होता है देखने में भी। चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें क्या चेंज है, जहाँ पे होगा बेसिकली आपको बताया जाएगा, ऐसा कोई ख़ास चेंज इस पेज पर नहीं है, है ना, और ये भी सब वही है, सेम एज इट इज़। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से, ऐसा कुछ ख़ास चेंज इसमें नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर, 2015 से पहले भी के बाद भी सिमिलर है, और 1920 में भी ज़्यादा कोई ख़ास चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, 2015 के बाद वाली एनसीईआरटी में चेंज है, और 1920 में वो चेंज को सेम रखा गया है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। चैप्टर नंबर 2 बैगिंग, ये सब प्रीवियस एनसीईआरटी में था, यूनिक इवेंट। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं, देखिए, देखते हैं 3 में क्या क्या चेंजेस हैं। एपोमिक्सी, ये सब पहले से ही था। अब हम आ चुके हैं, देखिए, चैप्टर नंबर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या कहाँ पे टॉपिक ऐड किया गया है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है, जहाँ पर चेंज होगा वो फौरन आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर चेंज है, उसको आप नोट करिएगा, और बेसिकली पेज नंबर आप याद रखें तो बेहतर है। तो यहाँ पे ये तो सब सेम है, सिटीज़ है। हाँ, देखिए, यहाँ पर मेस्ट्रुअल साइकिल में ये जो आपका टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको एक साइड में, ये 2015 के बाद वाली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये 2019-20 के एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ऐड किया गया, और बताया जा रहा कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। हाँ, इसमें ये कहा गया कि जो, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें फ़ीमेल को क्या करना चाहिए बेसिकली उस पीरियड में, ठीक है, बेसिकली बाथ, अपने आप को क्लीन और, ठीक है, रेगुलरली बाथ करना चाहिए, और जो भी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें या पैड का, होम पैड, उनको डेली चेंज करें, ठीक है, 4 to 5 hours के बाद चेंज करना चाहिए। तो उसके बारे में एक हाइजीन, बेसिकली एक पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड टॉपिक ये,
मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन है और बेसिकली ये फीमेल मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर्सनल हाइजीन को डील करता है। तो ये पैराग्राफ ऐड किया गया, ये 2015 से पहली वाली एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बाद वाली एनसीईआरटी में है। तो ये एक चेंज पेज नंबर याद रखिएगा 51 पे है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसको डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि आखिर चेंज क्या है, क्योंकि बाकी कोई और ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, इसमें देखिए, और मैं एक बात और बता दूं, हर चैप्टर पे QR कोड ऐड किया गया है, दैट हैविंग एक्स्ट्रा नॉलेज एंड सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें आपको कुछ, ठीक है, इंटरनेट से सर्च करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ से गेन होगी, और आप इसका जो भी लिंक है उसको आप, ठीक है, QR कोड से जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो एकदम लिंक आ जाएगा, गूगल पे आप उसको खोल सकेंगे, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना NCERT को ज़्यादा लेंदी बनाना, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा पेजेस की हो जाएगी, ठीक है, इसलिए QR कोड के जरिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है। तो हर चैप्टर के पास बाद एक QR कोड है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 4 में क्या चेंज है। हाँ, यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो एमनियोसेंटेसिस है, यहाँ पर कुछ लाइंस को ऐड किया गया जो कि प्रीवियस NCERT में 2015 से पहले नहीं है, उसके बाद है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, मटेरियल सपोर्ट, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंसी। तो ये एमनियोसेंटेसिस से कुछ, ठीक है, इसमें कुछ लाइंस को ऐड किया गया पैराग्राफ में, तो ये एक चेंज है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ मेथड, ये सब सेम है और ये भी सेम है लगभग। हाँ, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो MTP से रिलेटेड है, ये पूरा पैराग्राफ ये ऐड किया गया है, देखिए, ठीक है, इसमें बेसिकली MTP को, मतलब एक अमेंडमेंट एक्ट है 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर ग्राउंड विद इन द फर्स्ट 12 वीक। इसमें ये कहा जा रहा है कि MTP कहते हैं एबॉर्शन, तो एबॉर्शन को लीगल कब माना जाएगा, तो याद रखिएगा एबॉर्शन को जो लीगल माना जाएगा वो 12 वीक, 12 वीक के, ठीक है, 12 हफ्तों के बाद वो एक इलीगल, एक क्राइम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी फीटस को अबॉर्ट करते हैं इट इज़ अ क्राइम, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब एक क्राइम है इस तरीके। तो ये पूरा पैराग्राफ है, आप इसको अच्छे से पढ़िए कि रिस्क हो सकता है चाइल्ड को, रिस्क मदर, ठीक है, मदर की बॉडी पे रिस्क हो सकता है, तो ये चीज़ पे, ठीक है, पूरा ये MTP का एक अमेंडमेंट एक्ट है जो अभी पास हुआ है 2017 में, तो इसको ऐड किया गया है, तो इसको नोट कर लें, पेज नंबर 62 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए पहले यहाँ पर 4.4 हेडिंग में देखिए, यहाँ पे पहले था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, लेकिन ये 2018 से पहले NCERT में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो डिजीज़ की जगह इन्फेक्शन हो गया, दैट इज़ पेज नंबर 63 पे ये स्मॉल चेंज है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये यूनिट हमारी प्रोडक्शन की ख़त्म हो चुकी है, इसमें जो भी चेंजेस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 8, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें देखते हैं क्या चेंजेस हैं। QR कोड मैंने बताया आपको पहले ही, और यहाँ पे कुछ ऐसा खास चेंज है नहीं, जहाँ पे चेंजेस होंगे वो बताते हैं हम 1 by 1। तो सेम एज डिसऑर्डर, देखिए डिसऑर्डर्स जो आएंगे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर, वहाँ पर चेंज है, देर इज़ ए बिग चेंज, देर इज सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स आर एडिड। तो वहीं पे बेसिकली आने वाला है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन का आइडिया था ये देखिए आप, पेज नंबर बेसिकली अब हम आ चुके हैं इसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 है, बहुत ही बड़ा चेंज है, एक पूरा टॉपिक 5.4 और 5.5, एक तो 5 पॉइंट आपका 4 ऐड किया गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताते हैं कि मेंडल स्टडी मैनी मेनली डिस्क्राइब दो स्टेट दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर आइदर पर्पल और वाइट, बट इफ यू लुक अराउंड यू
विल फाइंड दैट देयर वर मैनी ट्रेट दैट आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। जैसे ह्यूमन के बारे में अगर बात करें तो कुछ छोटे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, तो ये दो अल्टरनेटिव हैं रेंजेस। तो ये दो या दो से ज़्यादा जीन से कंट्रोल्ड रहते हैं। ऐसा कोई ट्रेट दैट इज़ कंट्रोल्ड बाई टू और मोर जीन्स तो ऐसा पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है, ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो ये पूरा याद रखिएगा टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे ऐड किया गया, इसको अच्छे से पढ़िए आप। इसकी क्या स्किन कलर की एग्जांपल, कुछ डार्क स्किन होते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। और उसके बाद याद रखिएगा एक और टॉपिक है प्लियोट्रोपी, ये पूरा ऐड किया गया 5.5। ये चेंजेस पेज नंबर 85 पर ही हैं। मतलब इसमें व्हाट इज़ प्लियोट्रोपी, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप पोर्ट्रेट, किसी सिंगल जीनोटाइप, किसी सिंगल जीनोटाइप या सिंगल कैरेक्टर पे किसी भी एक जीन का क्या असर होता है, तो वो प्लियोट्रोपी में हम डिस्कस करते हैं। तो एक ये न्यू एट, ये दिस चेंजेस ऑन द पेज नंबर 85, और ये चेंजेस 2018 से पहली वाली एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये 2019-20 के एनसीईआरटी में ऐड किया गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे चेंज है। आगे देखते हैं, आगे जो चेंज है बेसिकली सेक्स, हाँ देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो अगर आप ये देखेंगे, पहले आपको इस सप्लीमेंट्री मटेरियल एनसीईआरटी पीछे 2018 से पहले 19 से पहले जो एनसीईआरटी उसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल में ये था, लेकिन इसे प्रॉपर जगह पे ऐड नहीं किया। तो ये पेज नंबर 87 पे इसको ऐड किया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। हनी बीज में अलग अलग तरीके का सेक्स है, फीमेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 16, और फीमेल में मियोसिस होता है और मेल में माइटोसिस होता है। तो ये पूरा डिस है टॉपिक। तो बेसिकली ये ऐड किया गया पेज नंबर 87 पे, चेंज है। मेल इज डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग, तो उन्हें ड्रोन कहा जाता है, और फीमेल आर डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो ये दिस चेंज इज ऑन पेज नंबर 87। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, म्यूटेशन तो पहले से ही था, पेडिग्री भी था, कुछ फिगर को थोड़ा इसकी स्लाइडली नीचे शिफ्ट किया गया है। और बेसिकली अगर हम कहें तो थोड़ा म्यूटेशन में कुछ लाइंस ऐड की गई हैं, याद रखिएगा देयर इज सम लाइंस दैट आर एडेड इन टॉपिक म्यूटेशन। और इस फिगर को जो है सिंबल एंड इन ह्यूमन पेडिग्री, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी सब सेम, कोई मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर में बेसिकली देखते हैं क्या ऐड है। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर में एक नई पेज नंबर 89 पे कलर ब्लाइंडनेस, इसको ऐड किया गया 89 पेज नंबर पे। कलर ब्लाइंड इट इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर। मतलब इसमें रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, और बेसिकली रेड और ग्रीन आई के जो कोन, जो कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कोन्स, वो फेल हो जाते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने में। जेनेटिक प्रॉब्लम दैट इज सेक्स लिंक्ड, 89 पेज नंबर पे ये चेंज है। तो ये पूरा टॉपिक ऐड किया गया कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद हीमोफीलिया तो पहले से ही था, सिकल सेल भी था, तो ये दीज आर द चेंज। हाँ, अब देखिए फिर चेंज आ गया, देखिए इसमें जेनेटिक्स में काफ़ी ऐड किया गया, तो आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क हो इसका। नीट में याद रखिए, नीट में बहुत बड़ा वेटेज है, याद रखिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या ऐड किया गया। हाँ, 91 पेज नंबर पे थैलेसेमिया, पूरा एक पैराग्राफ ऐड किया गया, जो कि 2019 से पहली वाली एनसीईआरटी में नहीं, सप्लीमेंट्री मटेरियल में था, लेकिन अपनी जगह, ठीक है, इस जगह पे ऐड नहीं किया गया था। तो ये चेंज है। दिस इज एन ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर, हेटरोजाइगस होंगे पेरेंट्स, तब ये डिजीज ट्रांसमिटेड होगी। तो ये थैलेसेमिया का पूरा टॉपिक ऐड किया गया है। तो ये चेंजेस है। तो दिस चेंज ऑन पेज नंबर 91, नोटेड डाउन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाकी ये फिगर आगे शिफ्ट हो गया, बाकी ये सब सेम है। तो पूरा मॉलिकुलर बेसिस में काफ़ी बड़ा चेंज है, तो इसे अच्छे से पढ़िए आप। और एनी क्यूरी आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स, डिस्कस इट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इवोल्यूशन में क्या ऐड है। देखिए रिपीट हो गया ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी हम इससे पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो था आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन, वो मैंने थोड़ा मॉलिकुलर बेसिस बोल दिया। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में क्या चेंजेस हुए वो डिस्कस कर रहे थे, अब हम मॉलिकुलर में डिस्कस करेंगे, मॉलिकुलर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए यहाँ पर चेंज है,
बेसिकली यहाँ पे ये दे रखा है नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द ओएच ऑफ 1-C पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक। पहले यहाँ पे एच की जगह क्या था, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा चेंज, ये लाइन को चेंज, ठीक है, इस लाइन को चेंज किया गया है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे कहें तो बेसिकली इस लाइन को चेंज किया गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी, तो यहाँ पे 1-carbon 1-carbon पेंटोज शुगर ऐड किया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चेंजेस हैं। ऐसा कोई ख़ास चेंज यहाँ पर नहीं है, जहाँ पे होगा आपको बताया जाएगा बहुत क्लियर कट तरीके से, एंड ऑल द थिंग आर सिमिलर। तो ये मॉलिकुलर बेसिस में वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में कुछ काफ़ी चेंजेस हैं, और नीट के लिए ये जेनेटिक्स यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैं बेसिकली, हाँ देखिए यहाँ पे चेंज है, ये पीछे प्रीवियस लौट के चला गया, वहीं पे फिर पहुँचते हैं हम जहाँ पे हम थे पहले। थोड़ा आगे आ चुके हैं, देखिए पीछे आना पड़ेगा हमको। तो देखिए इसमें जो हमें जहाँ देखना था, थोड़ा हम इससे आगे आ चुके हैं, जहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन है, बेसिकली ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन जो होता है, तो रेप्लिकेशन का जो टाइम पीरियड है वहाँ पहले कितना था, वहाँ पे चेंज है। हाँ देखिए यहाँ पर जो टाइम है, बेसिकली पहले 38 मिनट्स था, अब यहाँ पे 18 मिनट्स है, तो ये एक चेंज है, याद रखिएगा। पहले रॉन्ग टाइम दे रखा था, अब इसको ठीक किया गया है। तो ये पेज नंबर बेसिकली 106 पर चेंज है, इसको आप नोट करिए। तो पीज ठीक है, बैक देर इज सम सर्वर डाउन ड्यू टू, उसकी वजह से वो पीछे चला गया, तो दोबारा उस जगह पे आना पड़ा हमें, ठीक है। तो ये चेंज है यहाँ पे, और इसका स्कोरिंग याद रखिएगा, ये यूनिट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। जेनेटिक कोड में बताते हैं यहाँ पे चेंजेस हैं, यहाँ पे याद रखिएगा पहले पॉइंट्स जो थे वो पहले भी 6 पॉइंट थे, और पॉइंट सेकेंड पॉइंट को बेसिकली चेंज किया गया, याद रखिएगा, सेकेंड की जगह पॉइंट 6 पॉइंट को, वो सेकेंड पॉइंट को डिलीट करके एक 6 पॉइंट ऐड किया गया है, UAA UAG UGA, दीज आर द स्टॉप टर्मिनेटर कोडन। तो पॉइंट 6 को ऐड किया गया है, ये पहले पुरानी NCERT में आपको नहीं मिलेगा, 2019 से पहले वाले NCERT में ये 6 पॉइंट ये वाला नहीं है, ठीक है, वो प्रीवियस पॉइंट को रिमूव करके इसको ऐड किया गया है, स्टॉप कोडन का जिक्र नहीं था। तो ये चेंज है पेज नंबर 112 पर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, चेंज क्या है देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए फिगर को अपडेट किया गया है, ये जो tRNA का फिगर है ये पूरी तरीके से फुल्ली अपडेट फिगर है, एंड देयर इज सम लाइंस आर एडिट, tRNA में कुछ लाइंस ऐड की गई, और कुछ म्यूटेशन में भी याद रखिएगा, डिलीशन म्यूटेशन इसमें भी चेंज है, कुछ सम लाइंस आर एडिट इन द म्यूटेशन पार्ट। ट्रांसलेशन में आते हैं आगे की तरफ, देखिए और जगह यहाँ पे ऐसा कोई खास चेंज नहीं है, ऑल थिंग्स आर सिमिलर। तो जहाँ पे जो भी चेंज है वो आपको बताया जाएगा, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और होल जेनेटिक्स यूनिट स्कोरिंग है आपके लिए। तो ये पूरा हो चुका है, तो जेनेटिक्स से हम बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बाहर आ चुके हैं, अब आते हैं इवोल्यूशन। QR कोड तो हर चैप्टर के बाहर है, मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या ऐड किया गया, देखिए इसमें बेसिकली बायोजेनेटिक लॉ को, हाँ देखिए ये देर इज एडिशन ऑफ वन पैरा ऑन द पेज नंबर 129 पे एक पैरा ऐड किया गया है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ये पैराग्राफ 2019 से पहली वाली NCERT में नहीं है, और ये जो सब दिस इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल ने ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट बायोजेनेटिक लॉ दिया था, तो इस टॉपिक को ऐड किया गया है, इसमें कार्ल वॉन बेयर का भी एक रोल है। तो दिस पैराग्राफ इज एडिट ऑन पेज नंबर 129, तो ये चेंज है यहाँ पे, होमोलोगस एनालोगस ऑल द थिंग आर सिमिलर। एंड ऑल यहाँ पे भी सेम है जो चेंज है। तो बेसिकली एवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं नीट में,
ब्रांचिंग डिसेंडेंट कंसोल्टेशन, तो ऐसा कोई ख़ास चेंज यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें बेसिकली जो ड्राइवर फिथिकस रेमा फिथिकस, तो बेसिकली यहाँ पे भी कोई ख़ास, बाकी जितना भी सीसी है वो सब सेम है। तो ह्यूमन जो एग्रीकल्चर वर्ड आया है ये सब सेम है, नथिंग चेंज। तो इस यूनिट से भी हम बाहर आ चुके हैं। तो दो यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट नंबर 8, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें देखते हैं क्या चेंज है। ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है इसमें। ये जो लिखा हुआ आ रहा है एनसीईआरटी नोट 2, क्योंकि ये ऐप के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप पैनिक ना हो, तो इसमें कोई ख़ास बेसिकली ऐड नहीं किया गया है। जहाँ पे भी चेंज होगा वो आपको बताया जाएगा। इट्स ऑल द थिंग आर सिमिलर, माइन्यूट चेंजेस इन फ्यू एंड यूनिट्स हैविंग ऑफ माइन्यूट चेंजेस एंड ऑल द थिंग आर सिमिलर। और ड्रग्स एंड एल्कोहल, हाँ देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये मॉर्फिन का जो फिगर है इसको अपडेट किया गया, पुरानी एनसीईआरटी में ये फिगर थोड़ा रॉन्ग है तो उसको सही किया गया है, तो ये एक चेंज है, तो इसको आप याद रखिए। और बेसिकली बाकी सब सेम। यहाँ पे कुछ स्मोकिंग से रिलेटेड बेसिकली एडिक्शंस कह सकते हैं, ड्रग्स एब्यूज़, हाँ यहाँ पे इस टॉपिक कुछ लाइन्स ऐड की गई हैं, ठीक है। ये जो एड्स और हेपेटाइटिस बी है, एक ड्रग्स कुछ इंटरवीनस, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो फ्यू लाइंस मतलब पैराग्राफ को थोड़ा चेंज करके इसको अपडेट किया गया है। एड्स और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो होता है वो क्रॉनिक है, ये फैटल भी है, ठीक है, और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकता है, तो आप इसको अवेयर रहें, ये चेंज है, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज ऐड किया गया 162 पेज नंबर पे, तो ये चेंजेस था आपका। अब आते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर जी माइन्यूट चेंज है, बी कीपिंग ऑल द थिंग्स आर सिमिलर, प्लांट ब्रीडिंग, तो इस आगे की तरफ हम जल्दी से इसलिए बढ़ रहे हैं कि कम टाइम में आपका ज़्यादा डिस्कस हो जाए और ये जल्दी से पूरा हो, और इसमें आपको कम टाइम में आप अच्छे से समझ पाएं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं एनसीईआरटी में। तो ऐसा कोई ख़ास चेंज इसमें, हाँ यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पहले बेसिकली मिथाइलो फाइलस मिथाइलो ट्रोफस बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इस पैराग्राफ में चेंज है, इस पैराग्राफ को चेंज किया गया है। यहाँ पे जो बफेलो की एग्जांपल थी कि 60 kg के बफेलो को हम कितना खिलाएंगे, तो उसको हटा दिया गया, ठीक है, बफेलो को हटा दिया गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐड किया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। टिश्यू कल्चर में भी देखिए चेंज है, यहाँ पे पहले बेसिकली यहाँ पे क्या था जो बेसिकली इससे मिलके बनता है, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल है कि टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड, बेसिकली पोटैटो और टोमेटो का फ्यूज़न जो था, तो यहाँ पे पहले क्या था आपका टोमेटो था, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया पोमेटो, तो इसको ये पोमेटो वर्ड सही किया गया, गलत था यहाँ पे, तो उसको सही किया गया 2019 के एनसीईआरटी में, इसको ठीक किया गया, उससे पहले ठीक नहीं था। तो जो भी चेंजेस हैं वो आप समझिए। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ये लास्ट थर्ड यूनिट का लास्ट 8th यूनिट चल रही है आपकी, इसमें ऐसा कोई ख़ास यहाँ पे चेंजेस नहीं है, ऑल द थिंग आर सिमिलर। सी बेस से रिलेटेड भी सब कुछ सेम है, बायोगैस, बीटी कॉटन, तो इस चैप्टर में कोई ख़ास चेंज नहीं है। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी आपकी 9th यूनिट है बेसिकली, हर्बर्ट बोयर मेन क्रेडिट फॉर द टेक्निकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर पेज नंबर 194 में इसकी हेडिंग दी गई है, ठीक है, पहले इसकी हेडिंग नहीं थी, याद रखिएगा, ये जो सेकेंड पॉइंट है इसकी पहले हेडिंग नहीं थी, अब इसकी हेडिंग है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये हेडिंग को ऐड किया गया, ओनली हेडिंग आर एट ऑल द थिंग आर सिमिलर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
All the figure are similar, there is nothing change. हाँ, यहाँ पे एक वर्ड में चेंज है। देखिए जो इसका नोमेनक्लेचर है कि हम कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर देख थोड़ा पीछे हमें जाना पड़ेगा। जो इसका नोमेनक्लेचर है बेसिकली वहाँ पे, यहाँ वर्ड जो है याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर जो वर्ड है पहले जीन लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो पहला लेटर साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है वो जीनस होता है, ना कि जीन। पुरानी एनसीईआरटी में जीन है यहाँ पे, लेकिन उसको ठीक किया गया है, जीनस किया गया है। तो ये एक चेंज है पेज नंबर, ये बेसिकली आपका जो चेंज है 195 पेज नंबर पे ये चेंज है। और आगे का चेंज हम डिस्कस कर चुके हैं, फिगर तो ये पहले से ही अपडेट है आपका। पीसीआर का इन्वेंशन जो किया था वो कैरी म्यूलिस ने किया था, तो यहाँ पे उनका नाम अभी भी ऐड नहीं है। वैसे उसको भी एनसीईआरटी वालों को ये देखना चाहिए जो भी एनसीएफ वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में ये थोड़ा बहुत ऐड था, चेंज था। अब है हमारी चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा कोई खास थेरापूटिक्स, ऑल द थिंग आर सिमिलर, फिगर भी आपका बेसिकली सेम है, तो यहाँ पे कुछ खास हम कह नहीं सकते कि कुछ ऐड है। बायोटेक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, नथिंग चेंज। एंड दे यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ लाइंस को ऐड किया गया हो इस पैराग्राफ में, वन और टू लाइंस आर एड, ऑल द ठीक है, एक दो लाइन को ऐड किया गया हो, बाकी सब सेम है। अब लास्ट यूनिट हमारी बची है, दैट इज़ इकोलॉजी। तो दे बायोटेक में ऐसा कोई ज़्यादा खास चेंज आपको देखने को नहीं मिला। इकोलॉजी में आपको रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं। ऑर्गेनिज्म एंड क्यूआर कोड तो मैं बता चुका हूँ आपको, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको नोटिस करते रहिएगा कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ देखिए एक टॉपिक है, ये ऐड किया गया है, बेसिकली नीच ऐड किया गया है। हर ऑर्गेनिज्म की याद रखिएगा एक डेफिनेट रेंज होती है, मतलब एक ठीक है कह सकते हैं कि एक लोकलाइज जगह होती है जहाँ पर वो रहता है, उसे नीच कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में एक कंडीशन है, डेफिनेट रेंज है ना, उसको वो फंक्शनल रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो ये निच लाइंस, टू और थ्री लाइंस ऑन निच आर एडिट ऑन द पेज नंबर 221। तो यहाँ पे ये एक चेंज है, और बेसिकली आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ कुछ। हाँ देखिए यहाँ पर आप याद रखिए, नेक्स्ट पेज पर फ्यू लाइंस आर चेंज, द सॉल्ट, बेसिकली द सॉल्ट लेग्यून, सॉरी फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द कंसंट्रेशन मेजर्ड सेलिनिटी इन पार्ट पर थाउजेंड, ये लाइंस को ठीक है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग था, इसको सही किया गया है। तो ये यहाँ पे टू थ्री लाइंस आर चेंजेस, तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे चेंज किया गया है। और इसमें आगे वाटर में ठीक है, लाइट में भी थोड़ा फ्यू लाइंस आर एडिट, ये माइन्यूट चेंजेस हैं। सॉइल उसके बाद ये फिगर आ जाता है, रेगुलेटर कन्फर्मर्स, ठीक है, माइग्रेट सस्पेंडर, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई ख़ास ऐड नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी, ऑल द थिंग आर सेम, ठीक है। जहाँ पे चेंज है वहाँ आपको डिस्कस कर लिया गया, और ये इंटरेक्शन है पॉपुलेशन के। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले। नया चैप्टर आपका देखिए इकोलॉजी से भी अच्छा खासा, ये नीट में स्कोरिंग है, क्यूआर कोड तो है ही आपका ऐड, और बेसिकली ऑल द थिंग आर सिमिलर। एंड इसमें भी मुझे लगता है कि इस थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज है, और फिगर्स आर मोर अपडेट, सेम थिंग, सेम फिगर, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 18 में भी था ये, 19 में भी है, और जहाँ भी चेंज होगा वो बताया जाएगा आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये वाली बात। हाँ देखिए यहाँ पर बेसिकली हाइड्रार सक्सेशन, ज़ेराक्स सक्सेशन जो है बेसिकली
तो पहली स्पेसिस जो प्राइमरी सक्सेशन देखिए, यहाँ पर फ्यू लाइंस आर एडिट इन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, कि वो कौन सी स्पेसिस ऐड होती है, पायोनियर स्पेसिस आती है, तो ये फ्यू लाइंस आर एडिट जो पहले यहाँ पे नहीं था। हाँ, यहाँ पर देखिए इस फिगर में अपडेट है, इस फिगर में ये एरो नीचे की, ये देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये इसमें जो एरो था वो नीचे की तरफ था पहले, तो एरो को ठीक किया गया, तो ये फिगर अपडेट है, याद रखिएगा, जो कार्बन साइकिल का फिगर है इसमें अपडेट किया गया है, एरो नीचे की तरफ था, पेज नंबर 253 पे ये एक चेंज है, पुरानी एनसीईआरटी में ये एरो गलत था, ठीक है, तो इस फिगर को कुछ सही किया गया। तो ये इसमें चेंज था, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इसमें भी कोई ख़ास मुझे लगता है इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑल द थिंग आर सिमिलर इन दिस चैप्टर, नथिंग एडिट इन दिस चैप्टर। तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लास्ट चैप्टर ऑफ 12th बायोलॉजी वी कैन डिस्कस, लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चेंजेस हैं, और देर इज सम फिगर्स, देर टेबल्स आर एडिट। देखिए यहाँ पर जो नॉइस पॉल्यूशन का पैराग्राफ है इसमें कुछ लाइंस को ऐड किया गया है जो कि पुरानी एनसीईआरटी में नहीं थी, देर इज सम लाइंस आर एडिट इन पेज नंबर 272। हाँ देखिए यहाँ पर अगर आप देखें पेज नंबर 272 देखिए बैक चला गया है, दोबारा से हमें 272 पे जाना पड़ेगा। पे तो हम आ चुके हैं, ये बैक चला गया, तो बैक की वजह से हमें दोबारा वहाँ पे लास्ट चैप्टर हमारा डिस्कस करने को रह गया है, तो हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या चेंज है। देर इज सब टेक्निकल प्रॉब्लम इन दिस डिस्कशन, यू कैन डिस्कस वन बाई वन, पेज नंबर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देर इज सम टेक्निकल इशू इन चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर में डिस्कशन में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। तो लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी वी कैन डिस्कस व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द लास्ट चैप्टर, क्रिएट अ टेक्निकल प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। टू सिक्सटी पेज नंबर पे हम दोबारा से आते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं इसको, अभी शुरू से ऐड होगा तो इसके लिए हमें सम चेंजेस। इट क्रिएट सम प्रॉब्लम इन दैट चैप्टर, आफ्टर डूइंग द होल सिलेबस वी कैन डिस्कस, ओनली सिंगल चैप्टर में का प्रॉब्लमेटिक। 2 से क्योंकि लास्ट चैप्टर बचा हुआ है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद खुलेगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। तो आप वहीं सिर्फ लास्ट चैप्टर जो आपका बचा है 16 चैप्टर, दैट मेक अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इन दैट चैप्टर विदाउट नेट वी कैन डू दैट, नेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग दिस। अब ये टेक्निकल इश्यू है, बार बार बैक जा रहा है। टू फिफ्टी फाइव पेज नंबर, देखते हैं 255 पर कैसा रहता है ये, और लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का है वो हमें डिस्कस करना है, और लास्ट चैप्टर में मेक अ फॉल्ट ऑन दैट
चैप्टर 254 पेज नंबर पे हम आ चुके हैं एंड दिस इज टू नंबर 254 पेज नंबर 244 एंड ये इकोलॉजी हम देखिए इकोलॉजी पे आके थोड़ा एरर आया है तो आप लोग पैनिक ना हो और लास्ट चैप्टर पे डायरेक्ट आएँ क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस बता दिए कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं और इसको हम डिस्कस कर दूँगी इकोलॉजिकल सक्सेशन को और हमें जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर लास्ट है बस तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको पूरा चेंजेस के बारे में पता लग जाएगा कि आखिर क्या क्या चेंजेस हैं डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव सेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सब्जेक्टिव सेशन इज़ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बायोडाइवर्सिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी और हमारा लास्ट चैप्टर बचा है डिस्कशन के लिए हम उसी पर ही पहुँचते हैं क्योंकि हमारा पूरा लॉट ऑफ एफर्ट दैट कैन मेड अब देखिए लास्ट चैप्टर आ चुका है और लास्ट चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हैं आप उसको आगे ठीक है बेसिकली आप पॉज करके आगे बढ़ा के देख सकते हैं जहाँ पे जो टेक्निकल फॉल्ट आया है चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने के बाद बार बार बैक जाके मुझे दोबारा से यहाँ पे आना पड़ा तो वो आप जो है उसको ठीक है उतना टाइम आगे बढ़ा के आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लास्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं तो मैंने आपको बताया इसमें चेंज क्या क्या है बेसिकली यहाँ पे जो टॉपिक है आपका नॉइज़ इसमें कुछ लाइंस को ऐड किया गया है तो पेज नंबर 272 पे ये चेंज है और देखिए पेज नंबर बेसिकली 273 यहाँ पर एक टेबल ऐड की गई है जो बेसिकली मतलब ये न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसमें फोर व्हीलर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के लिए मतलब एक मास इमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया कि आखिर कितना इमिशन हो रहा मास इमिशन स्टैंडर्ड की टेबल है किस कौन सा भारत स्टेज फोर्थ यूज़ किया जाएगा थर्ड यूज़ किया जाएगा क्या है तो उसके ऊपर ये पूरा पैराग्राफ ठीक है ऐड है तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो पेज नंबर 273 पे है लास्ट चैप्टर में बाकी जहाँ पे भी चेंज होगा बताया जाएगा आपको और यहाँ पे एक याद रखिएगा इस फिगर के अंदर जो पुरानी एनसीईआरटी है 2014 और 15 से पहली वाली एनसीईआरटी में यहाँ पे पीपीएम है लेकिन यहाँ पे क्या किया गया पार्ट पर मिलियन था पहले सही किया गया है पार्ट पर बिलियन तो ये चेंज 276 पेज नंबर पे है तो इसे नोट करिए आप और केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव वे आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो ये पहले से ही था टॉपिक सैनिटरी लैंडफिल्स यहाँ पे इस लाइन को चेंज किया गया है देयर इज सम लाइंस डिप्रेशन ठीक है यहाँ पे कुछ देयर इज फ्यू लाइंस आर एडिट इसमें थोड़ा सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट वर्ड कि से पहले पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और था तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वर्ड लगाया गया डंप के लिए ठीक है तो यहाँ चेंज है कबाड़ी वाला आता है तो क्या क्या आपको उसको देना है ई वेस्ट तो पहले से ही था प्लास्टिक वेस्ट के बारे में था और ऑर्गेनिक फार्मिंग है रेडियो एक्टिव ऑल द थिंग आर सिमिलर नथिंग चेंज तो जहाँ पे जो चेंज था वो डिस्कस किया गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये पूरा जो फुल चेंज है बेसिकली आप याद रखिएगा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में जितना भी चेंजेस थे वो हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक कुछ चैप्टर में फ्यू चेंजेस हैं चैप्टर नंबर 1 की बात यूनिट नंबर 6 की बात की जाए रिप्रोडक्शन में तो वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट कुछ एमटीपी के अकॉर्डिंग कुछ हाइजीन से रिलेटेड ऐड किया गया है ठीक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थोड़ा ऐड है मॉलिकुलर बायोलॉजी में और कुछ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में सबसे ज़्यादा चेंज है और लास्ट ठीक है सबसे ज़्यादा याद रखिएगा जेनेटिक्स में चेंजेस किए गए हैं तो हमने सारे इकोलॉजी बायोटेक वेलफेयर से रिलेटेड जो भी यूनिट पाँचों यूनिट में जो भी चेंजेस हैं वो डिस्कस किए हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब शेयर माई वीडियो शुक्रिया थैंक यू वेरी मच